हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एनहांस योर नॉलेज। आई एम मिसेस सोनी कालरा, योर कंप्यूटर टीचर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 5, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टार्टिंग एमएस वर्ड 2010। आज मैं आपको एमएस वर्ड 2010 को कैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से समझाना शुरू करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। विंडोज मस्ट बी रनिंग टू स्टार्ट वर्ड। अगर आपको वर्ड शुरू करना है तो आपको विंडो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आपको रन करना पड़ेगा। तो स्टेप्स देखेंगे किस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। सबसे पहले हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो डेस्कटॉप आपको नज़र आता है उसके लेफ्ट कॉर्नर पर, बॉटम साइड पर, नीचे की तरफ आपको स्टार्ट बटन नज़र आता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसकी जो लिस्ट है, मेन्यू है, वो अपीयर आपको हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, आफ्टर दैट क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्टेप नंबर 4, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ये जो पिंक कलर में जो आपको दे रखे हैं, आपने इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान में रखना है। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट 1 अपीयर्स ऑन आवर स्क्रीन। एक खाली डॉक्यूमेंट इस तरीके से, खाली है ना ये, एक खाली डॉक्यूमेंट आपका खुल जाएगा जिसका नाम क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। आप बड़े ध्यान से अपनी बुक में यहाँ पर नोट करना, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स जब आपका सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट बनता है तो कंप्यूटर उसका अपने आप क्या नाम रख देता है, डॉक्यूमेंट 1। एन आइकन फॉर द प्रोग्राम अपीयर्स ऑन द विंडोज टास्क बार। जो विंडो का टास्क बार होता है, जहाँ पर स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन वाली जो ब्लू लाइन है उसको हम बोलते हैं टास्क बार, वहाँ पर आपको एमएस वर्ड विंडो का जो आइकन है वो नज़र आ जाएगा। इट मीन्स वो आइकन आपको ये शो करेगा कि आप अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर रहे हैं, ठीक है। द एमएस वर्ड विंडो, इस तरीके से आपकी एमएस वर्ड विंडो होती है। ये डायग्राम आपने अपनी अपनी नोटबुक में बनाना है बहुत ही सुंदर तरीके से, ओके। द वर्ड विंडो डिस्प्लेज मैनी आइटम्स वी कैन यूज़ टू क्रिएट एंड वर्क विद आवर डॉक्यूमेंट। तो वर्ड की जो विंडो है उसके बाद बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को। तो ये डायग्राम देख लीजिए, सबसे पहले जो ब्लू कलर में सेलेक्टेड है ये होता है फाइल टैब। इसके आगे जितने भी नाम लिखे हुए सारे टैब हैं, ओके। सबसे पहले डॉक्यूमेंट 1 जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो डॉक्यूमेंट 1 वाली लाइन है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। इसी लाइन पर हम लेफ्ट तरफ में चलेंगे तो छोटे छोटे आइकन्स नज़र आते हैं, ये होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसी तरफ इसी लाइन पर हम आगे चलेंगे तो आपको ये माइनस का बटन, बॉक्स बटन एंड क्रॉस बटन, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल बटन, ये तीन बटन आपको नज़र आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, यह फाइल टैब, ये बहुत सारे टैब्स हैं, फर्स्ट सेलेक्टेड है, इसका नाम है फाइल टैब। उसके बाद ये जो बॉक्स बना हुआ है, वाइट कलर का जो बॉक्स है, मैं आपको यहाँ पर माउस को मूव करके दिखा रही हूँ, ये जो पूरा बॉक्स है इसको हम बोलते हैं रिबन, ओके। यहाँ पर चलते हैं, आपको ये मिलेगा नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम वर्क एरिया में चलेंगे, यहाँ पर एक डंडा नज़र आ रहा है, कर्सर, जिसे हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, ओके। इधर चल आपको एक स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। स्क्रॉल बार आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक यहाँ पर स्क्रॉल बार होता है जिससे आप अपने पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, एक स्क्रॉल बार यहाँ पर होता है इससे आप अपने पेज को बॉटम और टॉप पर ले जा सकते हो, ठीक है। ये जो वाइट पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। तो हम यहाँ पर दो तीन, आप यहाँ पर एक और दे रखा है नीचे, यहाँ पर पेज 1 एंड 1 लिखा हुआ। पेज 1 मतलब ये स्टेटस बार जो आपके डॉक्यूमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर भी आपको बटन्स भी 5 बटन गिवन है जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट के देखने के तरीके को, व्यू को चेंज कर सकते हो। इसके बाद एक माइनस और प्लस बटन दिया हुआ है, ये आपके पास जूम स्लाइडर, आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम या कम जूम करके भी देख सकते हो। सबसे पहले टाइटल बार, जैसे मैंने आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन कर दिया, अब आपकी बुक क्या कहती है ये भी देख लेते हैं। टाइटल बार शो द नेम ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। टाइटल बार के अंदर डॉक्यूमेंट का नाम नज़र आता है, यहाँ पर क्या नाम है, डॉक्यूमेंट 1। फाइल टैब, वी कैन मैनेज फाइल इन्फॉर्मेशन एंड सेव, शेयर, प्रिंट, प्रोटेक्ट एंड वर्क विद वर्जन इन्फॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट। फाइल टैब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फाइल से रिलेटेड है वो सारी यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।